हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, एक और अपडेट आप सभी के सामने लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। एकदम न्यू भर्ती 22 के 22 जिलों से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वेरियस पोस्टों के ऊपर जॉब आ रखी है, सभी जल्दी से अप्लाई कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी लगनी है, आपको चाहिए, तो बिल्कुल आराम से इस वीडियो पर आप बने रहिए, क्योंकि 40 नंबर 50 नंबर 55 60 65 70 75 जो भी आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम में स्कोर जुड़ पा रहा है, अगर वहां पर आपका सिलेक्शन होता है तो बढ़िया बात है। वहां तो आपने फॉर्म भर ही रखा है, वहां पर तो वेट करने से अच्छा है यहां पर अपना फॉर्म भरिए। सरकारी हॉस्पिटल में जिस प्रकार से जॉब आ रखी है, बिल्कुल आराम से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, अच्छी सरकारी नौकरी रहने वाली है। 22 के 22 जिलों से जो भी स्टूडेंट लगना चाहता है अपना फॉर्म भर सकता है। और फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें पूछनी हो किसी भर्ती के रिगार्डिंग, बिल्कुल आराम से मुझे कॉमेंट करके पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। साथ में कोई पुरानी से पुरानी भर्ती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, साथ में टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। उस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा, कोई भी जानकारी होगी, आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो हरियाणा में जो भी जानकारी आती है, कोई भी लेटर आती है, कोई भी भर्ती आती है, मेरे भाई और बहनों के लिए सबसे पहले जानकारी आपको गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर देखने को मिल जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एकदम न्यू भर्ती कहां पर आई है, जो भी 22 जिलों से बिलोंग करते हैं, सभी के सभी अपना फॉर्म भर देना। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जॉब आई, एक बार आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, आप सभी के सामने रहने वाला है कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियर साइंस रहने वाला है। दिल्ली की पोस्टों की मैं बात करने वाला हूं कि दिल्ली जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर वेरियस पोस्टों के ऊपर ये जॉब आ रखी है। वेरियस पोस्टें आपकी 191 रहने वाली है, जिसके अंदर डेट आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 12 मार्च 2024 रखी गई है। इसका ऑफिशियल लिंक है, जो वेबसाइट है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना 191 जो पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टों के लिए कितनी कितनी पोस्टें रहने वाली है, कितनी कितनी सैलरी जाएगी, कौन कौन से हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी कैटेगरी आपकी दिल्ली के अंदर ही रखी जाएगी। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में रहने वाली है, आप सभी को मैं बता देता हूं, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी ये वाली रहने वाली है, llbs.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती का जो फीस वगैरह क्या लगने वाला है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का ₹590 फीस लगेगा, एससी एसटी ईएसएम वालों का ₹118 फीस लगेगा, बाकियों का ₹0 फीस लगने वाला है। फिजिकल जो हैंडीकैप्ट वगैरह है, सब भाई और बहनों का ₹0 लगने वाला है। और हरियाणा से जो फॉर्म भरेगा उसका ₹590 फीस लगेगा। मैं आपको बता देता हूं, सभी हरियाणा वासियों का ₹590 इसमें लिया जाएगा, चाहे आप जर्नल से बिलोंग करें, ओबीसी से करें, ईडब्ल्यूएस से करें, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे तो ₹590 आपका फीस लगेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी कब रहने वाली है। इस भर्ती का जो फॉर्म है 14 फरवरी से शुरू हुआ था, लास्ट डेट आपकी 12 मार्च रखी गई है। एग्जाम डेट इस भर्ती का कोई भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस प्रकार की जो भी जॉब्स आती रहती हैं हमेशा आपको देखने को मिलती है, अच्छी खासी जॉब्स रहती है, अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, आराम से सिलेक्शन मिल जाता है। इस प्रकार के जो भी अपडेट्स आते हैं उनको देखा करो, क्योंकि भाई और बहनों सरकारी नौकरी है। दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल आपने देखा होगा, अच्छे से सरकारी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बिल्कुल आराम से वहां पर सिलेक्शन निकाल सकते हैं। इस भर्ती का जो भी एग्जाम होगा, किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा, एक नॉर्मल सा एग्जाम होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। जो भी एग्जाम पैटर्न आएगा उसके बारे में आपको जानकारी मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। इसके आगे एज की हम बात कर लेते हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए। 18 साल से लेकर 42 साल वाले जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एज में भी आपको छूट चाहिए तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको इसमें मिल जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स क्या रहने वाली है, मेन बात वैकेंसियों की रहने वाली है। वैकेंसियों की डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी दे दूं, वेरियस पोस्टों के ऊपर ये जॉब आ रही है, आपने कोई पता है 191 पोस्ट आ रखी है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वालिफिकेशन अपनी अपनी देख लेना, कौन कौन सी पोस्टों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। वैसे मैं बता दूं, इसमें 12वीं पास वाले भी लिए जाएंगे, ग्रेजुएट पास वाले भी लिए जाएंगे। अगर मेरी बहन कोई भी लगना चाहती है तो बिल्कुल आराम से इसका ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख लेना, वहां से भी पूरा चार्ट आपको सामने आ जाएगा, वहां से एक एक चीज वहां से बिल्कुल डीपली आप देख लेंगे। क्योंकि भाई गुरु बहनों 191 पोस्ट आ रखी है, अगर आपको जॉब मिल जाए तो उससे बड़ी खुशखबरी हम सबको क्या होने वाली है। इस भर्ती के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा, नॉर्मल सा सिंगल वन पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को सुन पा रहे हैं,
दिल्ली के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में काम करना चाहता है, एक बार अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। फॉर्म के रिगार्डिंग किसी भाई गुरु बहन को पुरानी से पुरानी भर्ती है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। उस भर्ती का रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले जानकारी दूंगा और हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा। तो भाई गुरु बहनों, जाते जाते सभी भाई गुरु बहन एक प्यारा प्यारा कॉमेंट जरूर करते जाना, जो भी आप कॉमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।